नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओंकार हिंदू संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष प्रगटे मोक्ष। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। उदयानुसार प्राप्त संयोगों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना झूठी है। क्या प्रकरण चल रहा था अपना राव जी? क्या प्रकरण चल रहा था? मिथ्या चारित्र के स्वरूप के अंदर चर्चा चल रही है। हमारी पर्याय में जो राग द्वेष है वह किसका सिंबल है, वो किसका लक्षण है कि मिथ्या चारित्र। क्या राग जो है ना, राग वो मिथ्या चारित्र है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले शुभ राग को उपचार से भले ही धर्म कहा है, आई बात है, लेकिन धर्म है नहीं। बात पकड़ में आई? किससे कहा है मुकेश भाई साहब? उपचार से। उपचार भी क्यों लगा के साथ में धर्म है, सम्यक दर्शन है ना, इसलिए उसको उपचार से धर्म किया। जिनके सम्यक दर्शन नहीं है और फिर तो उपचार भी नहीं। बात पकड़ में आ गई ना आपको? ये बराबर आप ध्यान में रखना है ना। व्यवहार किसके साथ है बाबू जी? निश्चय के साथ व्यवहार है। किसके साथ व्यवहार है? निश्चय के साथ व्यवहार है। और निश्चय नहीं है तो फिर व्यवहार काहे का नाम पाते? आई बात समझ में? ठीक है। यहां अपन जो चर्चा चल रही है अपनी, वो क्या चर्चा चल रही है कि उदय के अनुसार मिलने वाली सामग्री में इष्ट और अनिष्टपना होता नहीं है। यह जीव अपनी कल्पना में किसी सामग्री को इष्ट मानता है और किसी सामग्री को अनिष्ट मानता है, उसकी यह मान्यता मिथ्या है। यह इसका हेडिंग है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है ना, यह इसका हेडिंग है। अब प्रश्न जो अपना कल खड़ा हुआ था कि कैसे हम नहीं माने जो शरीर में रोग हुआ है और उसमें हम दुखी हो रहे हैं, दुख सच्चा है कि नहीं भाव जी? दुख सच्चा है कि नहीं है? तो जो दुख सच्चा है, रोग के काल में हम दुखी हो रहे हैं, तो आप उसको अनिष्ट क्यों नहीं माने? मुकेश जी भैया, रोग से दुखी है ना? बोलो भाई, हाँ जी या ना जी? है? रोग के कारण दुखी है कि नहीं बाबू जी? रोग के कारण दुखी हो कि राग से दुखी हो, ये नक्की करना है हमने। किसके कारण दुखी हो भाई? है मुकेश भाई साहब, किसके कारण दुखी है भैया? है रोग से दुखी है कि राग से दुखी है बाबू? है ना,
मुनिराज थे ना, सनत कुमार मुनिराज, कितने कोट थे, कितने वर्ष तक रात कोट उनको 700 इयर्स तक बाबूजी उनको क्या रहा, कोड रहा। कोड मतलब रोग था ना शरीर में, मुकेश भाई साहब रोग था कि नहीं शरीर में, तो दुखी थे क्या वो? अरे हाजी अन्ना जी, दुखी थे क्या? नहीं थे। तो फिर रोग के काल में दुखी, रोग होवे और दुखी होना पड़े तो फिर तो रोग से दुखी हुआ क्या ना। ये सब बातें अभी बताएंगे, मैंने तो जस्ट आपको हिंट दी है विचार करने के लिए, क्या रोग से दुखी है कि राग से दुखी है। अपने अपने जो रोज गीत गाते हैं अपन, क्या करें मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, बहुत परेशान हो गया हूं, शरीर काम नहीं करता है। बाबू जी किससे परेशान हो गया? शरीर काम नहीं करता इसलिए परेशान हो गए हो कि शरीर के प्रति जो राग है, मेरे अनुसार काम करना चाहिए ऐसा जो मेरे को मिथ्या कर्तत्व है उसके कारण परेशान। बात जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हमारी चिंतन की धारा विपरीत चलेगी, और विपरीत की चिंतन की धारा में वो जो हमारा मिथ्या श्रद्धा है ना विपरीत पड़ी हुई, वो और पुष्ट होगी। हमने संयोगों के आधार से सुख माना, स्वभाव के आधार से सुख नहीं माना। अरे बोलो भाई, सही है गलत है? किसके आधार से सुख माना? संयोगों के आधार से सुख माना, स्वभाव के आधार से बाबूजी सुख नहीं माना। हमने रोग में तो दुख माना लेकिन राग में दुख नहीं माना। बात पकड़ में आती है आप? तो अभी यहां ये स्पष्ट करेंगे कि भाई कोई भी सामग्री इष्ट और अनिष्ट नहीं होती है, और इष्टपना और अनिष्टपना ये तेरी मिथ्या कल्पना है। अभी ये सिद्ध करेंगे। तो पहले ये बता रहे हैं डॉक्टर मलजी साहब, इष्ट किसको कहते हैं और अनिष्ट किसको कहते हैं। बाबू जी परिभाषा सबसे पहले, क्योंकि समझाना है कि इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं होता, तो लेकिन पहले इष्ट किसको कहते हैं ये तो समझाओ। तो यहां कहे जो हमको हितकारी लगे उसका नाम इष्ट है। कहां से परिभाषा हुई मुकेश जी भाई साहब? जो आपको लगे, मतलब इष्ट आपको लगता है, आई बात समझ, और अनिष्ट आपको लगता है। इष्ट और अनिष्ट का बंटवारा कहां से? क्योंकि आपकी कल्पना झूठी है यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपकी कल्पना झूठी है। किसके संबंध में झूठी है बाबू जी? सामग्री के संबंध में। हमने किसी सामग्री को इष्ट माना, किसी सामग्री को अनिष्ट माना, ये बात तेरी कल्पना के आधार से तेने खड़ी करी है। जगत में ऐसा कुछ है नहीं, और तेने जो माना है वह झूठा है, ये बात सिद्ध कर दी। तो इष्ट किसको कहते हैं? सबसे पहले टोडर मल्ली साहब ये परिभाषा बता रहे हैं कि जो हमको सुखदाई लगे, जो हमारे लिए हितकारी हो उसका नाम इष्ट है। परिभाषा याद रहेगी आपको। इष्ट किसको कहते हैं? जो हमको अच्छा लगे, हितकारी लगे, सुखदाई लगे उसका नाम इष्ट है, और जो हमारे लिए अहितकारी है, दुखदाई है उसका नाम है अनिष्ट। पहली दो पंक्ति में ये परिभाषा है। देखो निकालो पेज नंबर 95, पेज नंबर निकाल लो 95, पैराग्राफ नंबर दूसरा मिल गया। जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं। सरल है ना भाई साहब परिभाषा? ये तो बिल्कुल गले उतर जाएगी आप। आगे अपने को दुखदायक और अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है मुकेश जी भाई साहब? कि जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। सिद्ध क्या करना है अपने को? जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, और अपन को इष्ट अनिष्ट लगकर सुख दुख का जो वेदन हो रहा है वो सच्चा के झूठा? सुख दुख का वेदन, दुख लग रहा है आपको, सच्चा के झूठा?
अरे बाबू जी शरीर में रोग है इससे आप दुखी हो, दुख सच्चा है झूठा? दुख तो सच्चा है ना। अरे हाँ जी हाँ जी, तो शरीर में रोग हुआ इसलिए दुखी हूं ना मुकेश भाई साहब? तूने जो कारण माना है वो सही नहीं है, ये सिद्ध कर रहे दुख। हाँ मतलब रोग से दुखी नहीं हूं, राग से दुखी हूं। आई बात पकड़ में? क्या राग से दुखी हूं? दुख तो है सच्चा लेकिन कारण जो मैंने माना है वो क्या है? झूठा। बच्चे के कारण दुखी नहीं हूं। किसके कारण दुखी हूं मैं मुकेश भाई साहब? बच्चे को अपने अनुसार चलाने का जो मेरा भाव है उसके कारण दुखी। बात पकड़ में आ रही है आपको भाई साहब? सरल है ना बात। अपन किसको पकड़ते हैं, किसका गला पकड़ते हैं? है? किसके कारण दुखी है? बहू के कारण दुखी हूं कि बहू को अपने अनुसार चलाने का जो मेरा मिथ्या कर्तत्व है भाव है उसके कारण दुखी हूं। बराबर याद रहेगा अपने को? अरे हाँ जी या ना जी बोलो ना, आप तेज तो बोलो आपको। हाँ जी या ना जी याद रहेगा ना किसके कारण दुखी हूं? वो राग किसका है? मेरा है। मुकेश भाई साहब राग किसका है? मेरा है। दूसरे के राग के कारण अपन दुखी नहीं होते? बाबू जी कितनी गजब की बात है। तू दुखी भी है तो तेरे कारण, और सुखी भी होगा तो तेरे कारण। बोलो क्यों दुखी है अपन? अपने कारण से। हमारा अज्ञान हमारे को दुख का कारण है। गले उतर गई बात। अब कभी भी दुखी होंगे तो किसी दूसरे के पर तो आरोप नहीं मढ़ोगे? अरे बोलो ना है? आपको नहीं जच रही हो तो फिर चर्चा कर रहे हैं अपन है? इसको याद रखना है अपने को, इतनी छोटी सी तो बात है याद रखनी है अपने को है? बाद में भी याद आ रहा है तो समझ लेना एक स्टेप तो आप ऊपर आ गए। जिनको याद ही नहीं आ रहा उनसे तो अच्छे हो। नहीं बाबू जी बाद में आ रहा है तो भी जिनको नहीं आ रहा उनसे तो एक स्टेप आगे आ गए हो है? हाँ बढ़िया है फिर तो बात। और जब आपके श्रद्धा में बैठ जाएगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी। कितना अच्छा आपको लगता नहीं बिल्कुल सही प्रोसीजर है सुखी होने का? जो यहां बताई गई विधि वो आपको सही नहीं लगती बिल्कुल सुखी होने की? बस हम उस तरह का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, उस जाति का हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे जिस जाति के पुरुषार्थ में सम्यक निर्णय हुआ। भावना तो सबकी है सुखी होने की। हम सब जन्म मरण को मिटना चाहते हैं और विधि भी हमारे कान में पड़ गई है महाभाग्य से, लेकिन उस जाति का हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं जिस जाति के पुरुषार्थ में हमारी स्वीकृति बन जाए। तो क्या करना है अपने को? उस जाति का पुरुषार्थ करो। कितना सरल का। किसको कहते हैं भैया इष्ट? जो हमको सुखदायी लगे उसको इष्ट कहते हैं, जो हमको दुखदायी लगे उसको अनिष्ट कहते हैं। यह परिभाषा बिल्कुल सरल। अब क्या कहते हैं देखो, लोक में इस जगत में सर्व पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं, संख्या की अपेक्षा अनंत आनंद जितने भी पदार्थ हैं क्या है? अपने अपने स्वभाव के ही कर्ता हैं। मुकेश भाई साहब कोई पदार्थ आपके स्वभाव में कुछ कर दे, आपकी पर्याय में कुछ कर दे ऐसी उसमें ताकत ही नहीं। तो साहब हमारी पर्याय में दुख तो हो रहा है ना, किसने किया दुख? बोलो बाबूजी किसने दुख किया? ये शरीर के कारण, ये बच्चा मान नहीं रहा है, पड़ोसी है, बोलो दुखी कर रहा है कि नहीं कर रहा? पड़ोसी रोज गंदगी डाल देता है हमारे गेट के बाहर। अरे बोलो ना हाजी या ना जी। मुकेश जी भाई तो दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके कारण दुखी हो रहा है? बोलो भाई जल्दी बोलो। पड़ोसी रोज हमारे गेट के आगे गंदगी डाल देता है उसके कारण दुखी हो रहे हैं कि पड़ोसी मेरे अनुसार नहीं चल रहा है उसके कारण दुखी हो रहे हैं?
अरे भाई कुछ निर्णय करना पड़ेगा ना आपको, है और तो क्यों नहीं चल रहा मुकेश जी भाई साहब मेरे अनुसार पड़ोसी? अरे भाई सर्व पदार्थ अपने अनुसार चलते हैं, तू कौन होता है उसको चलाने? ये बात कह रहे बात पकड़ में आ गई। सर्व पदार्थ शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार चल रहा है, मैं क्यों दुखी हूं? अपने अनुसार चलाना चाह रहा हूं, वो बात तो मुझे ध्यान में नहीं देती नहीं, और मेरे अनुसार ये चले नहीं चलता है तो दुखी हो गया, और चल जाता है तो मिथ्या अहंकार में फूल गया, देखो मैंने कैसी बढ़िया मेंटेन कर रखी बॉडी। क्या कह रहे बाबूजी? पहले इष्ट अनिष्ट की परिभाषा बताई, फिर ये बताया कि जगत के अंदर सर्व पदार्थ अपने ही करता है, अपने ही स्वभाव का करने वाला है, ये कहकर ये बात बता दी कि तेरे को कोई दुखी कर दे ऐसा किसी पदार्थ में ताकत ही नहीं है। कौन दुखी करता है अपने को बाबूजी? कौन दुखी कर सकता है अपने को मुकेश बेटा? कोई दुखी कर सकता है जगत में आपको? नहीं कर सकता है। दुखी होगे नहीं हो? हूं। अरे बोलो ना, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, ये बात भी सच्ची है। दुखी है कि नहीं? हूं। तो फिर किससे दुखी हो? मेरे अज्ञान से। अज्ञान को पकड़ो कि किस प्रकार का अज्ञान है जिसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं। अरे जगत के सब पदार्थ मेरे अनुसार चले ये मैं मानता हूं, ये मेरा अज्ञान है। बीमारी तो पकड़ में आए, फिर बीमारी का इलाज क्या करना? अरे सर्व जगत के पदार्थ स्वतंत्र है, अपने अनुसार परिणमित करते हैं, जिस समय मुझे ये स्वीकार हो जाएगा तो जगत के पदार्थों में मेरे अनुसार परिणमन होए ऐसा जो मिथ्या विकल्प है खत्म हो जाएगा। बोलो कितनी सीधी विधि है बाबूजी सुखी होने की। अजीत भैया और मैं जय जयनाथ परम गुरु के भरोसे बैठा हूं, बात तो यहां से शुरू होगी है। भगवान भरपूर सुखी कर दोगे, मैंने पारसनाथ तेरे ही भरोसे नैया डाल दी है, वो कहां से सुखी होगा भाई? बाबूजी कौन पार करेगा नैया बोलो मुकेश भाई साहब, कौन पार करेगा? पारसनाथ भगवान आएंगे, क्या बात करते हो, उनकी नैया तो पार नहीं हुई। नैया बोले जब उनके ऊपर उपसर्ग आया था तब तो वो कुछ कर नहीं पाए, और तेरी नैया पार कर देंगे है? अरे साहब उन्होंने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुकेश भाई साहब क्यों कर लिया? उपसर्ग के काल में भी उपसर्ग को दूर करने का विकल्प नहीं आया, और उदय जो था उससे अपने को भिन्न उन्होंने स्वीकार कर रखा था और स्वभाव में स्थिर हो गए। क्या विधि अपनाई उन्होंने? विधि क्या अपनाई? ये आपको विधि दिखती है कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान को देखते हो तो बाबूजी, पार्श्वनाथ भगवान की जब प्रतिमा सामने रहती है तो विधि दिखती है कि नहीं दिखती? कि आपको महिमा आती हो, देखो क्या उपसर्ग है, फंड बना दिया, किसने उपसर्ग दूर करा है? अरे धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आते तो कैसे हो जाता दूर? अरे उपसर्ग होने के बाद आए बाबूजी, आते तो पहले तो मजा आता उपसर्ग के पहले आते तो मजा आता, 7 दिन तक तो धमाधम बजा, और फिर बाद में आए तो क्या मजा है, किसकी महिमा आती है अपने को? अरे आपको पता नहीं है तीर्थंकर थे, चरम शरीरी थे, व्रज ऋषभ नारायण, कितने भी पत्थर गिरे कुछ नहीं होता था, ये तो उनका राज था जो वो आए। पार्श्वनाथ को तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, स्वभाव के अंदर स्थिरता और बाहर में शरीर की इस प्रकार की स्थिति। बाबू जी बात पकड़ में, कौन समझावे इस जीव को? अभी अभ्यास तो है नहीं आगम का, अब तो ऐसा हो गया कि ये प्रतिमा है ये पार्श्वनाथ की चमत्कारी है। बाबू जी यहां के पारसनाथ काम करते हैं, यहां के पारसनाथ काम नहीं करते हैं। नहीं होता कुछ वैसा है। अब महावीर भगवान की प्रतिमा यहां की तो काम नहीं करेगी, वो महावीर जी वाली काम करेगी है?
बाबू जी कितनी गहराई से अज्ञान बैठा हुआ है। देखो आप कि हम विचार करने की शक्ति वाले हैं फिर भी हम विचार नहीं करते हैं, इतनी जबरदस्त मिथ्यात्व ने हमको जकड़ रखा है। बोलो अलग है क्या दो पार्षद ऊपर है क्या, ऊपर अलग दो पार्षद, चवलेश्वर वाले अलग होंगे और यहां वाले अलग। अरे भैया पार्षनाथ भगवान तो एक ही है। और दूसरी बात और ये समझना कि हमारे कोई भी भगवान कुछ नहीं करते। जब तक आपको ये बात नहीं बैठेगी तब तक आपकी मान्यता में भगवान के आधार से कुछ होना है ये धारा चलती रहे। किसी के पार्षनाथ करेंगे, किसी के महावीर भगवान करेंगे। है द्रौपदी को चीर बढ़ाया, किसने बढ़ाया बाबूजी, महावीर भगवान ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बोलो ना। नहीं बढ़ाया बोलते तो आप आलोचना में, द्रौपदी को चीर बढ़ायो अंजन से किया कामी, है ना, क्या यही है ना। तो फिर नहीं बढ़ाया उन्होंने, अपने तो महावीर भगवान ने बढ़ाया और अन्य मत में कृष्ण ने बढ़ाया। बढ़ाया किसने, मुकेश भाई का। आपको पता है द्रौपदी का काल और महावीर भगवान के काल में कितना अंतर है। उस समय तो महावीर भगवान का सम्यक का ठिकाना नहीं था। वो कहा नेमिनाथ भगवान के समय का काल है। कितना कितना काल है, फिर पार्श्वनाथ भगवान 1000 वर्ष 100 वर्ष पार्श्वनाथ भगवान के, 1000 वर्ष नेमिनाथ भगवान का है। उस समय में भी कितना तो महावीर भगवान को तो कहा, वो कहां बढ़ाया। अभी कुछ बोलता है इसको कुछ खबर नहीं। भैया देखो अच्छे से विचार करना कि क्या बात है, मुद्दा समझ में आ रहा है आपको। सामग्री जितनी भी सर्व पदार्थ है वो क्या है बाबूजी, अपने स्वभाव के ही करता है। ये बात आपको पहले गले में उतारनी। अब आगे क्या कहते देखो, जब अब टोटल मजे साहब का तर्क, जब सर्व पदार्थ अपने ही स्वभाव का करता है तब कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। कैसे पढ़ना है इस पंक्ति को ऋतु भाभी जी, कैसे पढ़ना है। जब सर्व पदार्थ अपने ही स्वभाव के करना है तब कोई पदार्थ किसी को सुख देवे, कोई पदार्थ किसी को दुख देवे, कोई पदार्थ किसी के लिए उपकारी किसी के लिए अनुपकारी ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, क्यों वो अपना स्वभाव का ही करता है। अब पढ़ लोगे ये पंक्ति जो मैंने पढ़ी, फिर पढ़ता हूं। देखो निकालोगे क्या कह रहे हैं, लोक में मिल गया सबको, ग्रंथ में बराबर उपयोग को एकाग्र करना। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है, ठीक है, ये पहला बात। अब मैं इस सेंटेंस को बोलता हूं, जब लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव का ही करता है तो कोई पदार्थ किसी को सुखदाई, कोई पदार्थ किसी को दुखदाई है नहीं। हो गया सेंटेंस बराबर, हो गया ना ये सेंटेंस बराबर बाबू जी, ठीक है ना जिया जी, बिल्कुल वही सेंटेंस बोला ना जो लिखा हुआ है मैंने। अरे बोलो भाई, हाजी है वही है ना। आगे बात समझ में आपको, क्यों नहीं है, ये सब अपने अपने स्वभाव का करता है। जब हर पदार्थ अपने स्वभाव का ही करने वाला है तो वो किसी को दुख दे किसी को सुख दे ऐसा है नहीं। तो साहब ये तो लगता तो है हमको, ये सुखदाई है दुखदाई है, आप कह रहे हो ये बात भी गले उतर रही है लेकिन ये बात भी हमारे जच रही है। नहीं नहीं कैसे बात, बच्चा कहना नहीं मानता है, पैसे दिए सब उड़ा दिए उसने है, समय पे बहु काम नहीं करती है और आप कह रहे हो कि कोई सुखदाई दुखदाई नहीं। ये क्या सामने तो मैं दुख तो मेरे को हो रहा है और आप बिल्कुल डिनॉय कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होता बाबू जी, नहीं होता, गले उतर रही बात। तो अब आगे देखो क्या कहते हैं, यह जीव कौन मुकेश वैसा, मैं क्या करता है, यह जीव अपने परिणामों में उन्हें किन्हें
जो पदार्थ सुखदायी दुखदायी नहीं है उन्हें, फिर से बोलता हूं, बराबर पंक्ति पढ़ना, उपयोग को एकाग्र करना, यह जीव की जगह क्या लगाना है, मैं, अपने परिणामों में किने उन्हें, उन्हें मतलब जो पदार्थ सुखदायी दुखदायी नहीं है उन्हें क्या करता हूं, सुखदायक उपकारी मानकर इससे जानता हूं, अथवा दुखदायी अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता हूं, कौन, मैं। अब आगे देखो क्या कहते हैं, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है किसी को अनिष्ट लगता है। बाबूजी क्या बात की यहां पे टोटल मेरे हिसाब से, यह जीव पदार्थों में अपने परिणामों में किसी पदार्थ को इष्ट मानता है किसी को अनिष्ट मानता है, वस्तु में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है। अभी ये सिद्ध कर रहे हैं इन तीन पंक्तियों में, वस्तु में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है, इष्ट अनिष्ट पना जीव ने अपने परिणामों में कल्पना में खड़ा किया। साहब कैसे कह रहे हो कि वस्तु में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है? मुकेश जी साहब शक्कर आपको भी मीठी लगेगी और भाव जी को भी मीठी लगेगी, बोलो लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों? नींबू आपको भी खट्टा लगेगा और क्यों मुझे भी खट्टा लगेगा? क्यों? जो उसका स्वभाव ही खट्टा है ना मुकेश जी साहब? लेकिन ऐसा तो नहीं होगा आपको शक्कर मीठी लगेगी और मुझे कड़वी लगेगी? क्यों नहीं? कि शक्कर का स्वभाव मीठापन है, बातें समझ में आ गई। लेकिन यदि किसी को शक्कर कड़वी लग रही है और किसी को मीठी लग रही है तो फिर क्या पकड़ोगे आप? कि ये तो उसके कोई ना कोई गड़बड़ी है, मुंह कड़वा होगा, इसका मुंह कड़वा होगा, इसको बुखार आ रहा होगा, है शक्कर में प्रॉब्लम नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको मुकेश भाई साहब? ऐसा ही होगा ना, अगर शक्कर में प्रॉब्लम हो तो फिर दोनों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर सामग्री में इष्ट निष्पना हो तो एक सामग्री सबको इष्ट होनी चाहिए, एक सामग्री सबको अनिष्ट होनी चाहिए। बाबूजी बात पकड़ में आ रही है आपको? यदि सामग्री में, नहीं साहब क्या बात करते हो, पैसा तो सबको इष्ट है नहीं है? अरे बोलो ना, हाजी हाँ हाजी है मुकेश भाई साहब, इष्ट है कि नहीं है सभी को इष्ट? भैया ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, आप गड़बड़ गड़बड़ी है बाबू जी, पैसा सबको इष्ट नहीं है? नहीं, पर अभी तो ये तय तो करो कि बहुमत में सभी इसी को इष्ट ही मानते हैं ना पैसा तो। अरे भैया बहुत जने अनिष्ट मानने वाले हैं और आप भी किसी काल में होंगे तो अनिष्ट मानोगे। मुकेश जी भाई साहब पैसा ज्यादा हो आप और बच्चों की लड़ाई हो फिर आपको ऐसा विचार नहीं आता ये बीमारी होती नहीं तो ये झगड़ा होता है? नहीं, कौन बीमारी? तो फिर तो बीमारी है ना वो? अरे गड़बड़ है? नहीं बीमारी बाबू जी पैसा? अरे कुछ तो बोलो आप, है नहीं है? बीमारी रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो आप? हाँ बीमारी नहीं रखनी, पैसा तो रखना है। हाँ बीमारी है वो, परेशानी है भाई। ये जो बात कही जाएगी ना सभी पदार्थों के संबंध में, मुकेश जी भाई साहब आप गहराई से विचार करोगे तो कोई भी पदार्थ जगत में इष्ट अनिष्ट नहीं है। टोटल मल्ली साहब यहां उदाहरण देंगे कि विष्टा जो हमको इष्ट लगती है अनिष्ट लगती है वो शुगर को इष्ट लगती है। पदार्थ तो एक है, अपने को क्या लगती है बाबू जी? अनिष्ट। और शुगर को लगती है इष्ट।
मुकेश जी भाई साहब क्यों घर बार छोड़ के जाते हैं वन जंगल में? यदि सामग्री से मान लो सब काम हो जाता है तो फिर क्यों छोड़ना है? बाबूजी क्यों छोड़ना है? एक बात आपको बता दूं कि किसी के चित्त में भ्रम हो, क्या भ्रम हो कि भाई सामग्री अगर ले और घर में ही रहेंगे और हमको मोक्ष हो जाएगा, उस चक्कर में भी मत रहे, बिल्कुल चक्कर में मत रहे। एक समय के मतलब एक लिमिट से ऊपर की स्थिरता, क्या मुकेश भाई साहब? जैसे सम्यक दृष्टि को 6 माह के अंदर नियम से अनुभूति होती है, वह उसका अभ्यास करते 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 यदि 15 दिन में उसको अनुभूति होने लगे तो उसमें बाहर में नियम से उसको व्रतों का पालन होगा ही होगा, और यदि व्रतों का पालन नहीं होगा तो वो अंदर में अनुभूति का काल घटेगा नहीं। आई बात समझ में? 15 दिन की फ्रीक्वेंसी में अनुभूति है तो बाहर में व्रतों का पालन होगा, और यदि और अंतर मुहूर्त में अनुभूति होए तो घरवार भी छूटना जरूरी है। आई बात समझ? वो घर में रहकर नहीं होगी बात, लेकिन उसके कारण नहीं, ऐसा योग है उसका। क्या इधर स्थिरता बढ़ेगी उधर इतनी उदासीनता होगी कि अब वो समस्या लगेगी, बाबू काहे में समस्या लगेगी कि मेरी स्थिरता में खलन आ रहा है। आई बात समझ ना आई? तो बुद्धिपूर्वक छोड़ देंगे, लेकिन कोई उसको ही छोड़कर अंदर से कोई स्थिरता का ठिकाना नहीं है और माने हाँ मैं त्यागी, तो वो भी चक्कर में नहीं रहना। इतना बैलेंस तो बराबर बना के रखना हाँ, मोक्ष मार्ग में बराबर बैलेंस चाहिए मुकेश भाई साहब, है ना? आपको बराबर पकड़ना है किधर किधर की धारा चल रही है, कितनी स्थिरता हुई है, कितना मेरे को सम्यक निर्णय है। ऐसा नहीं हो कि कोई क्रिया का जोर हो जाए। और ये बात सही है कि स्थिरता बढ़ेगी तो सामग्री छूटेगी और उपचार से उसको कहा भी जाएगा धर्म। चले आगे भैया, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? अभी तक सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना है नहीं, इष्ट अनिष्ट बना मैंने अपनी कल्पना में खड़ा किया है, ठीक है। अब ये आगे यहां बात करते हैं, क्या कहते हैं? जैसे जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है। अभी भी देखना गांव के लोग है ना, कौन सा वस्त्र पसंद करते हैं बाबूजी? कौन सा वस्त्र पसंद करते हैं? मोटा। बड़े पंडित साहब के हाथ में कोटेशन सुना होगा, मोटा पहनो और मोटा खाओ, सुना आपने कभी? क्यों मोहित क्यों? अरे बोलो भाई, मोटा पहनो मोटा खाओ मतलब मक्की है मोटी, मक्की खाओ और मोटा पहनो कपड़ा, क्यों मुकेश जी भाई साहब? ज्यादा चलेगा ऐसा? नहीं नहीं, ये दोनों चीजें सस्ती है, सस्ती है तो उसको उपार्जन करने के लिए ज्यादा धन की जरूरत नहीं होगी। आई बात समझ में? और ज्यादा धन की जरूरत नहीं होगी तो कम समय में वो धन आपको उपार्जित हो जाएगा, या आपके पास जो उदय अनुसार धन है उसमें वो सामग्री मिल जाएगी और बचा समय आपको आराधना करना है। अभी आप पतला पहनोगे 3000 रुपए का शर्ट तो 3000 तो कमाने पड़ेंगे आपको, फिर पतला तो सर्दी में काम नहीं आएगा नहीं फिर चलेगा भी कम नहीं बाबू जी। लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी को मोटा वस्त्र अच्छा लगता है, मिला ही नहीं वो बेचारे को पहनने, तो वो सोचता है अब ज्यादा चलेगा ये तो है, मेरे तो साल भर का काम हो गया, पतला दे दे वो आप भले ही 4000 रुपए मीटर का तो भी कहेगा क्या कपड़ा दिया है। ऐसा नहीं होता, आपकी पसंद में और गांव वालों की पसंद में अंतर नहीं है मुकेश भाई साहब, क्या अंतर है? हम पतला देखते हैं वो मोटा देखते हैं, क्यों? परिस्थिति ऐसी है ना उनकी। भाई साहब एक जमाना था पहले शरीर में अगर लग जाती थी ना तो लोगों को लगता था कोई बात नहीं, कपड़ा नहीं फटना चाहिए। बाबू जी आपने आपने देखा होगा ऐसे समय, ऐसा समय देखा होगा ना आपने कि जैसे यहां लग गया कट लग गया कुछ भी, तो ये लग गया तो ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा बिना दवा से
और कपड़ा फट गया और तो साल भर के बाद नंबर आएगा। बड़े भाई का छोटे भाई को मिलता था, वो नहीं था समय भाव जैसा है। तो उस समय क्या, जो मोटा है अभी भी जिनकी परिस्थितियां ऐसी है वो मोटा, तो कह रहे हैं किसी को मोटा वस्त्र अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा प्रश्न है कि मोटा वस्त्र इससे क्या निश, अरे बोलो भाई क्या क्या प्रकरण चल रहा है कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। अब एक मोटा वस्त्र किसी को इष्ट लगता है और किसी को अनिष्ट लगता है, तो वस्त्र में इष्ट अनिष्टपना है कि नहीं। बोले नहीं है, तो इष्ट अनिष्टपना लग तो रहा है ना। हाँ लग रहा है, उस जीव की अपनी अपनी कल्पना है। बात पकड़ में आई है साहब? तो दो जीव अलग अलग हो गए ना, एक जीव को तो ये इष्ट लगता है, एक जीव को अनिष्ट लगता है। तो चलो इस जीव के लिए अपन ये सामग्री इष्ट गिन लो और इस जीव के लिए सामग्री अनिष्ट गिन लो। ना ना ना, ऐसा भी नहीं है। किसी काल में इस जीव को ये इष्ट लगता है, किसी काल में यही सामग्री इसी जीव को अनिष्ट लगती है। आई बात समझ में? दो बात हो गई, क्या हो गई, क्या बात हो गई अजित भैया? एक सामग्री किसी को किसी काल में इष्ट लगती है, किसी काल में अनिष्ट लगती है। अगर एक ही सामग्री उसी को हमेशा ही इष्ट लगे तो फिर आप उसके हिसाब से ये सामग्री इसके हिसाब से इष्ट है ऐसा मान लो, ऐसा ये नहीं। तो सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। दो भिन्न भिन्न जीवों को भिन्न भिन्न लगती है, एक जीव को अलग अलग काल में भिन्न भिन्न लगती है। बात पकड़ में आई? ये दो बातें करके इस बात को सिद्ध किया। पढ़ू अब मैं दोनों बातें, आपको समझ में आ गई है ना? किस तरह से सिद्ध किया टोडरमली साहब ने, दो भिन्न जीव को एक सामग्री इष्ट अनिष्ट लगती है एक काल में, एक जीव को दो भिन्न भिन्न काल में वही सामग्री इष्ट अनिष्ट लगती है। बात पकड़ में आ गई? यही बात यहां पर अभी सिद्ध की। देखो मैं पढ़ता हूं, जैसे जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सुकर आदि को विष्टा इष्ट लगती है, सुअर को, देवादि को अनिष्ट लगती है, किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इस प्रकार अन्य जानना, सभी पदार्थों में इस प्रकार जान लेना। अभी इन तीन पंक्तियों में तो एक चीज किसी को इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है, ये घटाए। अब आगे की तीन पंक्तियों में ये घटाएंगे कि एक ही चीज एक ही जीव को किसी काल में इष्ट लगती है, किसी काल में अनिष्ट लगती है। देखो आगे, तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और किसी काल में अनिष्ट लगता है। पदार्थ तो वही है, जीव वही है, समय चेंज हो गया। सर्दी में पंखा अनिष्ट लगता है और गर्मी में इष्ट लगता है। बच्चा किसी समय तो इष्ट लगता है, पेड़े बांटता है, और किसी समय कहता है नालायक पैदा ही नहीं होता तो ठीक है, बच्चा तो वही है। मुकेश भाई साहब बात समझ में आई? किसको? एक जीव को वही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है, ये बात बता रहे। देखो, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है जगत में। बाबू जी है ना, आज तो इससे बहुत अच्छी मेरी पट रही है, मेरे लिए तो ये इष्ट है, और जरा सा कुछ हो जाए तो वो अनिष्ट हो जाए। बच्चे के लिए पूरी जिंदगी भर जोड़ने की प्लानिंग है ना, बच्चा हुआ तब से क्या मुकेश बेटा, ये इसके काम आएगा, ये इसके काम आएगा, ये पढ़ाई में हो जाएगा, ये इसके मकान बन जाएंगे, ये इसके ये हो जाएगी, और बच्चे ने जरा सी आपकी बात नहीं मानी तो नालायक को एक रुपया नहीं देना। कैसे नहीं, ये एक बात कह रहे हैं मुख्य रूप से। अब देखो, अब किस चीज पे घटा रहे हैं टोडरमल जी साहब? अपन पढ़ते हैं, जैसे शरीर इष्ट है
नहीं भाई साहब सब बढ़िया है, अभी तो अपना शरीर स्वस्थ है, इष्ट है, और यदि रोग लग जाए तो कौन सा शरीर? यही शरीर अनिष्ट लगने लग जाता है। शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। पुत्र आदि इष्ट है, पुत्र पुत्री आदि इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं। है प्रसंग हो गया, अब आपकी कसाई से मैच नहीं हुई, अनिष्ट होते देखे जाते इत्यादि जानना, ऐसा करके उन्होंने दोनों बातें कह दी। अब आगे, अभी अपने को मुकेश भाई साहब ऐसा लगता है कुछ चीजें तो ऐसी है जगत में कि जो सबको अनिष्ट लगती है, नहीं लगता ऐसा? अभी गाली, अभी यहां आप बैठे हैं, किसी की भी गाली, किसी को गाली दे तो सबको कैसा लगता है? ये गाली तो सर्वकाल अनिष्ट ही है। बोलो भाई बाबूजी, गाली तो सर्वकाल, कभी भी तो गाली ये हमारे लिए इष्ट नहीं हो सकती, ऐसा है ना? पुत्र के संबंध में तो समझ में आ रहा है, नहीं भैया? शरीर के संबंध में तो समझ में आ रहा है, धन के संबंध में तो समझ में आ रहा है, लेकिन गाली के संबंध में ऐसा नहीं लग रहा? गाली तो कभी भी दो ये अनिष्ट ही है, ऐसा है ना बाबूजी? अरे ऐसा नहीं है, गाली कभी इष्ट भी लगती है। और टोटल मजी साहब कहेंगे कि जब ससुराल में जाओगे आप है और वहां गाली दी जाती, कोई ऐसा होता है ना कस्टम है रिवाज, अब चलता है नहीं पता मुझे है, वो क्या कुछ गड़बड़ करके खिला देते हैं सालियां, और कुछ होली के समय क्या कुछ गाली देते, नहीं बाबूजी? और ऐसा भी होता है ना, जब आमने आमने सामने जो मिलते हैं तब इधर वाले उनको गाली देते हैं उधर वाले, तो वो गाली कैसी लगती है मुकेश भाई साहब? हाँ वे भी है, मुझे पता नहीं, आप अच्छे से जानते हो। तो इसका मतलब है कि गाली में भी इष्टनिष्ठपना किसी काल में है किसी काल में नहीं, ये बात यहां से करते देखो सरल है आपके, आपको तो ये अनुभव है, अनुभव अनुभव वाली चीज है ना, फट से स्वीकार हो जाती है, नहीं बाबूजी? अनुभव इसलिए उदाहरण भी वैसे ही देने पड़ते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, तथा जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है, मुख्य रूप से कि ये तो अनिष्ट ही है, ये मैं नहीं सुन सकता। क्या नहीं सुन सकता मुकेश जी भैया? गाली नहीं सुन सकता, भले कुछ भी हो जाए, भले लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन मैं गाली नहीं सुन सकता, क्योंकि गाली तो मेरे लिए अनिष्ट ही है। ऐसा जो जीव मानता है वह गाली भी उसको किसी काल में इष्ट होती देखी जाती है। अब वो सिद्ध कर रहे कब, जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानता। वही गाली आपको कोई दे रहा है तो ये नहीं सुन सकता हूं, और वही गाली बाबूजी ससुराल में यदि दी जा रही है तो, अरे बोलो तो फिर सामग्री में इष्ट अनिष्ट बना है कि नहीं है? अब वो आपके समय का रिवाज है, हमारे समय तो चला ही गया, अब टोटल मजी साहब के समय चलता होगा 250 साल पहले, और मुख्य रूप से चलता होगा, हो सकता है आपके समय से भी ज्यादा ऐसा होगा। तो उन्होंने वो बात बिल्कुल, देखो कितना जबरदस्त चिंतन था उनका, सिद्ध तो उनको ये करना है कोई भी संयोग आपको इष्ट अनिष्ट नहीं है ये प्रूव करना है। उन्होंने एक दो भिन्न भिन्न जीव के लिए एक संयोग घटाया कि एक जीव को यह संयोग इष्ट लगता है, एक जीव को अनिष्ट लगता है। एक ही जीव में भिन्न भिन्न काल में यह घटाया कि इस काल में इसको इष्ट लगता है, इस काल में अनिष्ट लगता है। तीसरी बात, जिसको आपने हमेशा के लिए मान लिया है ये तो अनिष्ट ही है, वह भी प्रसंगवश किसी काल में आपको इष्ट लगती है। इसका मतलब है कि पदार्थ में संयोगों में इष्ट अनिष्ट बना है नहीं। बात समझ में आई? अब इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।